यूएई विजिट वीजा एक्सटेंशन के जो नया रूल आया है उसके बाद से बहुत सारे इक्वेशंस चेंज हो गए हैं कि कैसे लोग यूएई में रह के वीज़ा एक्सटेंड कर पाएंगे, या फिर अगर आप उनको बसेस के लिए लेना है कैसे लेना है, और कुछ कुछ कंट्रीज़ को ही सिर्फ बस में अलाउ होगा और कुछ को नहीं होगा। इन डेप्थ में आज इस वीडियो पे पूरा डिटेल्स बताने वाली हूँ कि चार्जेस कितने होने वाले हैं, कौन से पैकेज आपको लेना चाहिए कि नहीं, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ देखते रहिए ये वीडियो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल दुबई देसी। जैसे कि आपको पता है आज मैं बात करने वाली हूँ यूएई वीज़ा विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन को लेके, क्योंकि अभी अभी यूएई गवर्नमेंट ने विजिट वीज़ा एक्सटेंशन जो इनसाइड द कंट्री होने वाला था उसको बंद कर दिया। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और अभी कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि तीन तरीके से आप अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर पाएंगे। जो पहला ऑप्शन था बस से आप नियरिंग कंट्री, कोई भी जो नेबरिंग कंट्री है उसमें जाके आप कर सकते हो। उसके अलावा आप एयरपोर्ट से एयरपोर्ट में जाके चेंज कर सकते हो, और जो लोग दुबई में है जब तक सिस्टम अपग्रेड नहीं हो जाता है वो लोग कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को सारे पैकेज क्या है जो अभी ट्रैवल एजेंट ऑफर कर रहे हैं, कौन सा कंफर्टेबल होगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग ले सके, उसके बारे में बताने वाली हूँ। और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से कंट्री के लोगों को अलाउड है और कौन से कंट्री के लोगों को अलाउड नहीं है ये सर्विसेज लेना जो बस वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल जो मैंने बताया था बस से अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको कितना चार्ज पड़ेगा। देखिए चार्जेस वैरी करेगा आपके विजिट वीज़ा के ऊपर, कौन सा वीज़ा या फिर किस टाइप का वीज़ा लेते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो चार्जेस है वो है 599 दिरहम टू 850 दिरहम, उतना तक आपको चार्जेस पड़ सकता है अगर आप बस से एग्जिट करते हो नेबरिंग कंट्री में। देखिए अभी के लिए जो ओमान के सारे बसेस हैं वो ओवरबुक्ड है, लेकिन यहाँ पे कहा ये भी जा रहा है कुछ कंट्री के लोगों को ही सिर्फ अलाउड है बस के थ्रू एग्जिट करना। वो कंट्रीज़ के नाम हैं इंडिया, फिलीपींस, नेपाल एंड श्रीलंका। ये जो कंट्री के लोग हैं वो बस से ट्रैवल करके एग्जिट करके फिर वापस एंटर कर सकते हैं अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। लेकिन जहाँ बात आती है पाकिस्तान या फिर जो अफ्रीका के जो लोग हैं वो अगर चाहे कि एग्जिट करने के लिए बस के थ्रू वो नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं जो दूसरा पैकेज के मैं बारे में बात की थी कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट अगर आपको कर अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंशन करना है तो उसके चार्जेस क्या है। देखिए उसके लिए चार्जेस है 999 मतलब कि 999 दिरहम और या फिर 1999 दिरहम, इतने के अंदर आपका जो ट्रैवल है या फिर आपका जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो हो जाएगा अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू एग्जिट करते हो तो। और जो मैंने कल बताया था कि दुबई के अंदर रह के आप अपना विजिट वीज़ा को एक्सटेंड कर पाएंगे, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ऑप्शन, लेकिन कैसे कर पाएंगे क्योंकि दुबई का सिस्टम अपग्रेड होने के लिए कम से कम कुछ दिन तो लगेगा। जब तक दुबई का सिस्टम अपग्रेड नहीं हो जाता तब तक आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा अगर आप दुबई से अपना वीज़ा लिए हो और अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हो। उसके लिए जो चार्जेस पता है वो है 1800 दिरहम से लेके 2200 दिरहम तक आपको चार्जेस पड़ सकता है। आशा करती हूँ मैंने ये जो सारे डिटेल्स आपको बताया है वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा और आप अच्छे से अपना जो बजट है वो तय कर पाएंगे आपको कैसे एक्सटेंड करना है, या फिर जो लोग भी यूएई पे विजिट वीज़ा पे आ रहे हो अपना बजट उस हिसाब से ही लेके आएंगे ताकि आप अफोर्ड कर पाओ और यूएई पे जाने के बाद आपको कोई तकलीफ ना फेस करना पड़े। यही था आज का वीडियो, और अगर मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरी ये वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।